हाँ तुमका परमेश्वर का बारे में कथा सुनाऊंगा जो पूरा संसार का लोग न का जीवन का बदली देगा। या कोई ऐसी कथा नहीं है जेका कोई न बने, या यीशु ग्रंथ बाइबल से छे जो परमेश्वर का वचन छे, एका लेनी वचन सत्य और हम विश्वास करी सका। एक ही परमेश्वर छे और सबको महान परमेश्वर छे। परमेश्वर कोई भी इंसान, आत्मा, धर्म का गुरु, सरकार और भगवान नसे शक्तिशाली छे जे की आज हम उपासना कराए। सबसे पहला परमेश्वर ही था पृथ्वी पर। जब परमेश्वर ने सबको बनाया तब सिर्फ बोलता था और सब बनतो गयो और परमेश्वर ने पृथ्वी पर और स्वर्ग में सबको बनाया। स्वर्ग में परमेश्वर ने भजन और सेवा करने के लिए स्वर्गदूत ने बनाया और सब कुछ बनाया जिसका आज हम देखा है। सूरज, चांद, तारा, पृथ्वी पर झाड़, पेड़, जानवर नख बनाया। आखिरी में आदमी और औरत का परमेश्वर ने बनाया। जब परमेश्वर ने सबको बनाया तो परमेश्वर ने कहो सब अच्छो छी। परमेश्वर ने आदमी और औरत का रहना का लेन एक बगीचो भी बनाया जो साथ में रहता था और उनको रिश्तो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छो थो और परमेश्वर को भी। परमेश्वर ने उनको कहो कि बगीचा की देख रेख करो और खुशी खुशी रहो। परमेश्वर ने उनका लेन एक खास आज्ञा दी। परमेश्वर ने कहो कि बगीचा का सब फल खाई सको, सिर्फ एक पेड़ को जो बगीचा का बीच में छे वो को मत खाओ, यदि तुम ना को खायो तो मरी जाओगे। आदमी और औरत को रिश्तो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छो। परमेश्वर ने सबका एकालन बनायो कि हमारा रिश्ता परमेश्वर का साथ और परमेश्वर के रिश्ता हमारे साथ बहुत अच्छा रहे। आदमी और औरत को रिश्तो परमेश्वर के साथ बहुत खास तो कई हमको मालूम छे कि स्वर्गदूत जैसा परमेश्वर ने बनाया था ओमस एक स्वर्गदूत तो बहुत घमंड करतो थो और परमेश्वर की तरह बनना की करतो थो और परमेश्वर की जगह अपनी पूजा कराना करतो थो। लेकिन एक ही परमेश्वर छे जे की आज हम करुणा और पूजा करा। परमेश्वर ने वो घमंडी स्वर्गदूत का स्वर्ग से निकाल दियो और हम वो घमंडी स्वर्गदूत का शैतान कवाए। परमेश्वर ने वो सभी स्वर्गदूत नख निकाल दियो स्वर्ग से जो घमंडी स्वर्गदूत का पीछे चलता था, वो बुरी दुष्ट आत्मा ना है। फिर एक दिन शैतान ने औरत का पेड़ को फल खाना की कहो परमेश्वर ने नहीं कहो तो शैतान ने औरत से पूछियो कई सही में परमेश्वर ने कहो कि बगीचा का फल मत खा जो। औरत ने कहो कि हम सब पेड़ का फल खाई सका लेकिन जो बगीचा का बीच में छे वो खा छोड़ी ना, अगर हम न उसको खायो तो मरी जावांगा। लेकिन शैतान ने कहो तुम नहीं मरना का लेकिन परमेश्वर का जैसा बनी जाओगा। औरत ना शैतान की सुनी अरु फल खायो अरु अपना पति का भी दियो अरु ओना भी खायो। उसी दिन से दुई नना पाप करो। पाप हो जाए जब हम परमेश्वर की आज्ञा नखा नहीं मानता। परमेश्वर सत्य अरु पवित्र छी। परमेश्वर ने हमका दंड देनो रह जब हम उनकी आज्ञा नखा नहीं मानता। परमेश्वर ने आदमी और औरत का बगीचा से निकाल दिया, उनको रिश्तो परमेश्वर के साथ हमेशा का लेन टूटी गयो और वो
आदमी और औरत की तरह हम सब न पाप करे और परमेश्वर के साथ रिश्तो टूटेल छे और पाप की सजा नरक दंड छे हमेशा का ले। हम परमेश्वर का लेन परमेश्वर के साथ नहीं जी सकता। हम एका लेन काई करी सका। समय जाता जाता पृथ्वी पर लोग बढ़ता गया, लेकिन उन सब न पाप करो, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनसे प्रेम करो और उन की साथ फिर से रिश्तों जोड़ना की चाहतो। परमेश्वर ने अपना एक सेवक द्वारा 10 आज्ञा न दी। याद करा कि परमेश्वर सत्य और पवित्र छे। हम कभी सत्य और पवित्र बननु पड़ेगा वो की साथ में रहना का ले। 10 आज्ञा न लोग न बताओ कि परमेश्वर के साथ हम कसा अच्छा रह सका। हो मसी कुछ आज्ञा न थी, तुम्हारा अलावा दूसरा की पूजा मत कर जे, तुम मूर्ति न मत बनाओ जे, अपना माँ बाप न की देख रेख कर जे, झूठ मत बोल जे, चोरी मत कर जे, हत्या मत कर जे, दूसरा की चीज न की लालच मत कर जे, बुरो मत सोच जे। लेकिन कोई भी इन आज्ञान को पालन नहीं करी पायो। जब वो पाप करता था तो परमेश्वर उनका अपना पाप न मान न दिया और एक बलि करना दी जो उनकी जगह दंड ले दे। यह बलि एक अच्छा जानवर का खून से का भेड़ा से होती थी। जब वो बलि करता था तो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि उनका पाप क्षमा करे और वो जानवर की उनकी जगह मरा। सिर्फ खून भरना से कोई का पाप क्षमा हो सके? समय बीत तो गयो, लेकिन वो अपना मन में पाप न का लेन दुखी नहीं था। लेकिन उनकी बलि सिर्फ एक रीति रिवाज थी। लेकिन परमेश्वर ने कहो कि अब बस बहुत रीति रिवाज हुई गया। जानवर न की बलि करना से लोग न का एहसास हुयो कि अपना आप वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो आज हम काई करी सका? परमेश्वर जब भी हमसे बहुत प्रेम करता था, एकालेन सही समय पर परमेश्वर ने यीशु मसीह का भेजो कि लोग न बताओ कि परमेश्वर के साथ फिर से रिश्तों कसो जोड़ी सका। यीशु कौन आए? यीशु परमेश्वर के एकलो तो पुत्र आए। यीशु महान गुरु जी। लोग न यीशु मसीह का वचन सुनना में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखायो कि परमेश्वर का पास कसा वापस जा सका। यीशु एक शक्तिशाली चमत्कार करने वाला था। एक दिन बहुत लोग यीशु मसीह का वचन सुनने का पूरा दिन का लेना आया, क्योंकि लोग भूखा था। यीशु मसीह ने 5 रोटी न 2 मछली ली और वो प्रार्थना की, फिर अपना चेला ने कहो कि सबका बाटी दा। उस दिन 5,000 लोग ने न खायो और पेट भरी न खायो। यीशु मसीह की शक्ति हमारी सब जरूरत न का पूरी करी सके। दूसरी बार यीशु मसीह नदी के पार नाव से पहुंचा। उनके साथ उनका चेला भी था। जब यीशु सोया था तो एक भयंकर तूफान आया। यीशु मसीह का चेला ने न यीशु मसीह का जगायो। हम सब मरी जावांगा। यीशु मसीह खड़ा हुआ और हवा पानी का कयो बंद हो जा। हवा पानी तुरंत बंद हो गई। यीशु मसीह की शक्ति प्रकृति संसार से महान है।
जब यीशु मसीह नदी की ओर पास पहुंचा तो एक हिंसक आदमी से मिला जो शमशान घाट में रहता था। ओ का पास बहुत दुष्ट आत्मा न थी और बहुत खतरनाक आदमी था। जब यीशु मसीह ने ओखा देखियो तो ओका से प्रेम करो। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा न कहो ओ मसीह निकले जाओ। दुष्ट आत्मा ने ना वो लोग का तुरंत छोड़ी न चली गई आना वो आदमी तुरंत चंगो हुई गयो। यीशु मसीह की ताकत दुष्ट आत्मा नसी महान छे। किसी एक दिन यीशु मसीह को एक करीबी दोस्त बीमार हुयो और मरी गयो। कुछ दिन बाद यीशु अपना दोस्त की कब्र पर गयो। जब वो न देखियो कि ओका कहां दफनायो गयो, यीशु मसीह न देखी न रोना लगी। यीशु मसीह कब्र का पास गयो और कहो कि दोस्त बाहर आई जा। उनको दोस्त कब्र से जिंदो बाहर आई गयो। यीशु मसीह की ताकत मृत्यु से भी महान छे। यीशु मसीह ने उन सभी चीज न करियो कि वह हमसे प्रेम करे। वो चाहोस कि हम सब परमेश्वर का पास वापस जावा। यीशु मसीह परमेश्वर को पुत्र थो और एक महान गुरु न एक शक्तिशाली और चमत्कार करने वालों भी था और जितना भी धरती पर लोग था उनमें से सिर्फ यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं करे। केवल वही तो जो पाप का दंड का योग नहीं तो बहुत लोग ने यीशु से प्रेम करता था लेकिन कुछ धर्म का गुरु यीशु मसीह से नफरत करता था। उन मसीह कुछ ने यीशु मसीह का गिरफ्तार करना और अदालत में और मारना को फैसलो करे। उनसे यीशु का एक बड़ा क्रूस पर लटकाई दियो न उनका हाथ पांव नम खिल्ला ठोकी दिया। जैसा उनका क्रूस पर लटकायो ओको कीमती खून जमीन पर गिरना लगे। यीशु मसीह ने चिल्ले न कहो पूरो हुयो। यीशु मसीह आखिरी और महान बलिदान करे। परमेश्वर हमसे प्रेम करे और हमको आज्ञा न दे कि यीशु मसीह हमारी जगह मर। यीशु मसीह ने हमारा पाप न कर दंड न कर उठा लिया। सिर्फ खून गिरना से हमारा पाप क्षमा हो सके। यीशु मसीह का हमारा पाप न की कीमत चुकावनी पड़ी। यीशु का उस दिन मरना का बाद ओका चेला न ओकी लाश का उठाई न सुरक्षित कब्र में रखी। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस दिन से 3 दिन का बाद यीशु मसीह मृत्यु मसीह जी उठा और बहुत दिन तक लोग न का दिखाई दिया कि वो फिर से जिंदा हुई गया। यीशु मसीह ने सिद्ध करियो कि वही परमेश्वर को पुत्र छी। फिर वह अपना परमेश्वर का पास स्वर्ग में चली गया। यीशु मसीह ने हमारा दंड का अपना ऊपर ले लिया और वो हमको एक रास्ता बतायो जेका से हम परमेश्वर का पास वापस जा सका। सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर का पास वापस ले जाना को एक रास्ता छे। जब यीशु मसीह धरती पर था तब उन एक कहानी बताई। एक जवान आदमी थो उन अपना पिताजी से कहो कि मख हमारी संपत्ति में से मारो हिस्सो मख दे द। वो आदमी अपने हिस्सो लेने दूर देश चली गयो और गलत काम न में सब पैसों उजाड़ी दी। जब वो का पास सब पैसा खत्म हो गया तब वो न सबसे नीच मजदूरी का चुनी जो कि स्वर चरवण था। एक दिन वो होश में आयो। वो न सोचो कि मारा पिता का घर कितना ही मजदूर छे जिनका पास खाना का लेंट बहुत छे और वो यहाँ भूखो मरी रहो। हाँ
वापिस अपना पिताजी के पास जाऊंगा न कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग आरु अपना विरुद्ध में पाप करे आरु अब आपको बेटो कहलाना का योग नहीं है कृपा मका अपना यहाँ एक मजदूर जैसो रखी ले। वो उठ्यो न अपना पिता का घर चल्यो। लेकिन जब वो दूर ही थो वो का पिता ने दूर सी देखियो और वो दया सी भरी गयो। वो अपना बेटा का पास दौड़ तो आयो वो का गला लगायो और वो का चूमियो। बेटा ने पिता से कहो पिताजी मन स्वर्ग आरु अपना विरोध पाप करे अब आपको बेटो कहलाना का योग नहीं है। लेकिन पिता ने नौकर ने सिखायो जल्दी से सबसे अच्छा अच्छा कपड़ा लाओ एक आले और एक पेराओ वो की उंगली में अंगूठी पहनाओ पाओ न चप्पल पहनाओ आओ हम एक पंगत करा और खुशी मनावा क्योंकि मारो बेटो खोई गो तो आप मखा मिली गयो। हम सब उस जवान बेटा का जैसा छे जब हमने पाप करयो अन परमेश्वर से दूर हुई गया लेकिन उस बेटा जैसा हम परमेश्वर का पास वापस जाई सका हमका अपना पाप न की क्षमा मांगनु चाहिए वापस परमेश्वर का पास जाना कले हम उका बच्चा है और उका बच्चा बनना कले। यीशु मसीह ने कहो कि मार्ग सत्य और जीवन हाउचे मारा बिना कोई भी पिता परमेश्वर का पास नहीं जा सकते। कई हम मानाज कि यीशु ही मसीह हमारा परमेश्वर का पास वापस ले जाना को एक रास्तो छे। सिर्फ यीशु मसीह हमारा परमेश्वर का पास वापस ले जा सके। परमेश्वर का पास वापस जाना का ले हमका माननु पड़ेगा कि हमने ओका विरुद्ध पाप करे हमका विश्वास करनु पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारा पाप नका ले मरिया और हमारा दंड नका अपना ऊपर लिया और परमेश्वर से पूछा कि हमारा पाप नका क्षमा कर। हमका यीशु मसीह पर ही विश्वास करनु पड़ेगा वापस पिता का पास जाना का ले और ओका बच्चा बनना कले और अनंत जीवन पाना कले न ओका पीछा पीछा चलनु पड़ेगा। गुरु न शिष्य का समान बाइबिल ग्रंथ में छे परमेश्वर न संसार से सब लोग न से प्रेम करे उन अपनो एकलौतो पुत्र दे दियो जो भी ओपर विश्वास कर उन नाश नहीं होए बल्कि अनंत जीवन पावे। हम परमेश्वर का पास जाई सका जैसा उस जवान आदमी न करियो अपना पिता का पास चली गयो। हम जानाज की आप हमसे प्रेम करे हम मानाज की हमने आपका विरुद्ध पाप करे और वास्तविक में यीशु मसीह का बलिदान से हमारा दंड नख ले ली। परमेश्वर हमका माफ कर हम यीशु मसीह का अपना गुरु मानूंगा और उसकी आज्ञा को पालन करूंगा हमेशा का ले अपनी संतान का रूप में और नया जीवन का ले। धन्यवाद। क्यों नहीं हम ओका शांति का ले अभी पुकारा यदि हम सही में परमेश्वर का पुकारा तो अब हम परमेश्वर का बच्चा छे हमेशा का ले। परमेश्वर की इच्छा छे कि ओका बारा में हम दूसरा लोग न कभी बताओ कि हम ओका बच्चा है। परमेश्वर की योजना सिर्फ हम का नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार और दोस्त न कभी और हम दूसरा न कभी परमेश्वर का पास ले जा सके। कई आप कोई व्यक्ति को जानो जिका परमेश्वर का वचन सुनाई सको